हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवा फ्रॉम शिवास किचन। और शिवास किचन में शिवा आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन। शिवास किचन में अरहर की दाल बन रही है, वो भी लौकी वाली। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। बस हमें 1/2 kg लौकी, 5 अदद हरी मिर्च और 1 कप अरहर की दाल। अरहर की दाल को सबसे पहले हमको सोक करना है। हम उसमें वाटर ऐड कर देंगे। 10 से 15 मिनट हमें दाल को सोक करना है। ओके, तब दाल को हम साइड करते हैं। कट करने के लिए मैंने लौकी को पील कर लिया है, तो सबसे पहले इसको क्यूब में कट करना है। लौकी को क्यूब में कट कर लिया है। मिर्चे को इस तरीके से 2 पार्ट में कट करेंगे, इस तरीके से, जिससे मिर्चे की जो खुशबू होती है वो खाने में आ जाती है। हमेशा जब भी आप मिर्चा बगा रही है, या तो उसको पीस से कट करिए या तो इस तरीके से शिगाफ लगा दिया करिए, जिससे उसकी खुशबू जो है खाने में चली जाती है। अब हम मैं बता रही हूँ कि आगे क्या करना है। सबसे पहले अब हम कुकर में दाल, देखिए दाल को 10 मिनट जो मैंने सोक करने के लिए कहा था, उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जो दाल के ऊपर पॉलिश होती है वो हट जाती है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है हमारी हेल्थ को। और फिर उसके बाद लौकी, ग्रीन चिली, और ये बहुत जल्दी ही गल भी जाती है। तो आप चाहे तो 1/2 आवर भी सोक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी दाल बनाना है तो 10 मिनट्स भी बहुत होते हैं दाल को गलने के लिए। तो इसके बाद आगे हमें इसके अंदर कुछ सूखे मसाले डालने हैं। जो सबसे पहले सूखा मसाला जाएगा वो है 1 पिंच हल्दी, सिर्फ 1 पिंच। इससे रंगत बहुत अच्छी आएगी, बहुत शानदार आएगी। और चूंकि मैंने 5 हरी मिर्च इसमें डाल दी है, तो इसलिए मैं इसमें जो लाल मिर्च डालूंगी वो थोड़ी कम डालूंगी। मैं 1/4 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालूंगी और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डालेंगे। हमें इसके अंदर वाटर अच्छी तरीके से ऐड करना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज दाल के लिए, इसको उबालना है। उबालने के बाद ही हम सीटी लगाएंगे, नहीं तो दाल के अंदर हल्दी की स्मेल रह जाएगी। मतलब लगेगा कि कच्ची हल्दी की स्मेल आ रही है। हल्दी को पकाने के लिए इसके अंदर एक उबाल आना जरूरी है। तो चलिए उतना इंतजार करते हैं कि इसके अंदर एक उबाल आ जाए, फिर इसके बाद इसके अंदर सीटी लगाएंगे 2 सीटी। और 10 मिनट लो फ्लेम पे रखने के बाद दाल तैयार है। फिर बताते हैं कि इसको तड़का कैसे लगा। फ्रेंड्स देखिए, अब वाटर जैसे आपको दिख रहा है ये बॉईल होना शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हल्दी पक गई। बिना है ये करे सीटी मत लगाइएगा, नहीं तो दाल में स्मेल आती है हल्दी की। तो बस इसके बाद अब हम सीटी लगा देंगे 2 सीटी। और 10 मिनट्स लो फ्लेम पे रखने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 सीटी और 10 मिनट लो फ्लेम पे रखने के बाद दाल कुछ इस तरीके की हुई है। अब हमें करना है कि लौकी को दाल के अंदर मैश करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मैश करिए, चाहे तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो मैं 50% मैश करती हूँ और 50% ऐसे ही रहने देती हूँ। अब हमें इसके बाद बघार तैयार करना है। बघार के लिए मैंने 1/2 टीस्पून जीरा लिया है और 3 लहसुन के जवे लिए हैं, जो महीन महीन काट लिए हैं बारीक बारीक। 5 मैंने लाल सूखी मिर्च ली है। पैन को फिर हम बघार तैयार करने के लिए चढ़ाते हैं। तो पैन में हमने 1 टेबल स्पून देसी घी लिया। देसी घी में जो दाल बघरती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है, इसलिए मैंने देसी घी लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। जो ये देसी घी है ये बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। इसके अंदर हम डालते हैं जीरा, और फौरन ही जीरा जले बगैर इसमें हम लहसुन ऐड कर देंगे। और हाँ, अगर आप देसी घी से दाल बघारेंगे तो दाल खाने में भी बहुत मज़ेदार होगी और सोंधी भी होती है। तो प्रिफर करिएगा कि दाल जब अरहर की बघारें तो देसी घी से ही बघारें। दूसरी साइड आप देख रहे हैं, मैंने ये दाल गर्म करने के लिए रख दी है। ये एकदम गर्म गर्म होनी चाहिए जब हम बघार दाल के अंदर डालें। लहसुन को बहुत हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा, नहीं तो वो जल जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे पकाते रहेंगे और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमें इसे जलाए बगैर दाल को बघार देना है। तो बघारने के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम पहले इसके अंदर ये डालेंगे और इसके बाद बघारेंगे, और इसके बाद फौरन ये बंद कर देंगे। ये जो मैंने आपको बघार का तरीका दिखाया है, इससे जो बघार होता है उसकी महक दाल के अंदर बस जाती है। और इसका ढक्कन मत खोलिएगा, कम से कम 5-10 मिनट बंद रहने दीजिएगा, फिर उसके बाद खोलिएगा, तभी उसमें बघार की अच्छी और भीनी भीनी खुशबू आएगी और दाल खाने में बहुत सोंधी लगेगी। चलिए फिर 10 मिनट के बाद करते हैं इसे डिश आउट। और आप
ज़रूर इसको घर पे ट्राई करेंगे, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी डिश कैसी लगी, और आपको कोई और डिश अगर बनाने का दिल चाह रहा है तो वो भी मुझे बताएं, मैं उसकी भी रेसिपी आपको दूंगी। चलिए फिर करते हैं इसे डिश आउट और खा के इसका लुत्फ़ उठाते हैं। मेरी डिश को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे साथ मेरे चैनल पे इसी तरीके से बरकरार रहिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले विद बेल आइकॉन। बाय।